सरकार द्वारा रविवार को प्रदेश भर में बाजारों के बंद करने का निर्णय लिया गया था। सिरमौर जिला में भी बाजार बंद करने के ऐलान का पूरा असर देखने को मिला। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला में 15 दिसंबर तक रविवार को बाजार बंद रहेंगे। जिला मुख्यालय नाहन में सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी दुकानें ही खुली रही। शहर में लोगों की आवाजाही भी कम देखने को मिली। वहीं लोगों ने भी सरकार और जिला प्रशासन द्वारा रविवार को बाजार बंद करने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि निश्चित तौर पर इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। लोगों ने कहा कि रविवार को अक्सर बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं पूरी बात, सभी स्थानीय निवासियों ने क्या कहा। आज के दिन जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है रविवार को बाजार बंद करने का, वह अत्यंत सराहनीय है। इससे इस COVID-19 महामारी के फैलने का जो खतरा और बढ़ गया है उसमें कुछ रोक लगेगी, क्योंकि मार्केट खुली होने की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब बाजार बंद होगा तो उससे लोगों की आवाजाही बाजार में कम होगी और जो कोरोना की जो चेन बढ़ रही है उस पर रोक अवश्य लगेगी। क्या आवश्यक वस्तुएं मिलती है, दवाई दूध वगैरह, इसकी क्या प्रावधान किया गया है? जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध, दही, सब्जी, दवाइयाँ, वो रूटीन में मिल रही हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही हम पब्लिक को। और हम इस प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने कि जो कि सोमवार को बंद होता था ना, तो ये संडे को जो बंद करने का निर्णय लिया है, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। और कोरोना को बचाने के लिए जैसे कि बाज़ार में भीड़ होती थी तो कम हो जाती है, तो इसलिए जो है कोरोना से बचने के लिए ये निर्णय बहुत अच्छा है सरकार का, धन्यवाद। कोरोना काल संक्रमण जो चल रहा है इस समय, अब यह स्थिति आ चुकी है कि अब ये दोबारा से थोड़ा पांव ज़्यादा पसारने लग रहा है, जिसलिए हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यह निर्णय उचित लिया है कि एक संडे के दिन पूरी बाज़ार, पूरा जो हिमाचल स्टेट है इसका सारा बाज़ार बंद रहे। तो जो भीड़ भाड़ हमारे फालतू की भीड़ भाड़ आती थी, तो एक दिन के बंद होने से भी काफ़ी इससे फर्क पड़ सकता है, कोरोना को रोका जा सकता है और लोगों को चेताया भी जा सकता है कि यह महामारी जो है अपने आप में एक बहुत भयंकर महामारी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो निर्णय लिया गया है उचित, कुछ लोग इसको अनुचित भी बता सकते हैं। एक दिन अगर बंद हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन के एक स्टेप में अगर एक स्टेप भी बंद हुआ तो इससे हजारों जो फैलने वाली स्थिति है वह रुक जाएगी। तो मेरा मानना ये उचित है और मैं बधाई देता हूँ कि ये दोबारा से ना फैले और इसको फैलने में जो निर्णय लिया गया है यह उचित है। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें।